दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय देहरा पब्लिक स्कूल खबली। कोरोना वायरस के आतंक के बीच जिला कांगड़ा के जवाली में पीलिया ने पैर पसार लिए हैं। मंगलवार को यहां मरीजों की संख्या 75 पहुंच गई है। धर्मशाला से डॉक्टर आर के सूद की टीम ने जवाली अस्पताल में पहुंचकर सिविल अस्पताल जवाली के SMO डॉक्टर संजीव को साथ लेकर मरीजों की सेहत परखी और रिपोर्ट जांची। बाहर से आई टीम ने IPH विभाग के XCN विशाल जसवाल को साथ लेकर पेयजल सप्लाई भी जांची और मरीजों के घरों में जाकर पानी के सैंपल लिए। अस्पताल में विधायक अर्जुन सिंह ने पहुंचकर मरीजों का कुशल क्षेम पूछा तथा डॉक्टरों को हिदायत दी कि मरीजों को चिकित्सा सुविधा में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बताया जा रहा है कि IPH विभाग हर जगह से पानी के सैंपल ले रहा है, परंतु सभी टेस्ट ठीक आए हैं। निकासी पाइपों को भी चेक किया गया है, जिसमें कहीं भी कोई कमी नहीं आई है। IPH विभाग ने अपने ओवरहेड टैंकों में पानी में ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा भी बढ़ा दी है, लेकिन मामले फिर भी थम नहीं रहे हैं। SMO ज्वाली डॉक्टर संजीव ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने पीलिया से निपटने के लिए एक विशेष टीम सिविल अस्पताल ज्वाली भेजी है, जो पीलिया रोगों से पीड़ितों के घर जाकर वहां स्थिति का निरीक्षण करेगी और पीड़ित लोगों से बात भी करेगी और उनके घर से पानी के सैंपल लेगी। वहीं IPH के टैंकों का भी निरीक्षण व उनके सैंपल भी लेगी। उन्होंने कहा कि पीलिया से लोग घबराए नहीं, बल्कि सावधानियां बरतें और अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी देहरा पब्लिक स्कूल खबली तहसील देहरा नई बुलंदियां छू रहा है। परिश्रमी अध्यापकों एवं समस्त सुविधाओं से लैस यह स्कूल हर वर्ष बढ़िया परिणाम दे रहा है। नर्सरी से लेकर प्लस टू साइंस तक की कक्षाएं इस स्कूल में मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग के द्वारा चलाई जा रही है। हर वर्ष प्लस टू साइंस के 50% विद्यार्थी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में 90% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं। कुछ ही समय में स्कूल से प्लस टू पास विद्यार्थियों ने MBBS और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिला प्राप्त किया है। कई विद्यार्थी अच्छे अंक प्राप्त करने के बाद इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट एवं अन्य विभागों में अच्छी नौकरी प्राप्त कर चुके हैं। बेहतर शिक्षा और मजबूत भविष्य के लिए अपने बच्चे का दाखिला DPS खबली में करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। COVID-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने COVID-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है, घबराए नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुखाम या बुखार के लक्षण हो, उसे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं। खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।